सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आज जो है मैं नहाई, वो बहन नहाई तो उसने अपनी पूजा कर ली, और अब है फिर मेरा नंबर तो मैं भी नहा गई। बनाने वाले पकौड़ी, देखते हैं पकौड़ी बनाइए नहीं तो इसकी सब्जी बन जाएगी, और हो सके अगर हम चाउमीन बनाए ऐसे भी हो सकता है। तो अभी आंटी जी बस हो गया, मेरा हो गया भाई, मेरी बहन अक्कल ठिकाना। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत, और सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और मस्त रहें। हम लोगों ने भी रात को काफ़ी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और थक भी गए थे। और कितने बजे सोए? 3:30-4 बजे सोए, तो लेट में उठे, अभी बहुत ही लेट में उठे, 8:30-9 बजे पहले दिन ही, तो कोई बात नहीं। उसके बाद हमने अभी ये बस नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आते हैं नाश्ते वगैरह करके फिर आपको बताते हैं क्या क्या आज हमने बनाया और क्या खाते हैं, मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों फिलहाल तो मैं नहा के आ गई, हम सब लोग नहा गए। सबसे पहले तो मेरी फ्रेंड नहाई, फिर उसने प्रसाद बनाया है हलवा, और उसके बाद जो है मैं नहाई, वो बहन नहाई तो उसने अपनी पूजा कर ली, और अब है फिर मेरा नंबर तो मैं भी नहा गई। करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट, थी तो मिलते हैं फिर आपको ब्रेकफास्ट में। तो हेलो दोस्तों, अभी जो हो रही है तैयारी पोहा बनाने की। तो पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कटिंग करेंगे प्याज की, और फटाफट से हम यहाँ पर प्याज कट करते हैं। और दोस्तों अगर कोई मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, और मेरी वीडियो को ना प्लीज़ एंड तक देख लिया कीजिएगा। और अब उसके बाद मैं काटती हूँ फटाफट टमाटर, और टमाटर काटने के लिए ये तो कुछ कट ही नहीं रहा था, पता नहीं चाकू तो बहुत अच्छा था पर बेचारा ख़राब हो गया इतने दिनों से, मैं उसकी ऐसी कटिंग कर दी। तो उसके बाद जो है हम डालते हैं इसमें मूंगफली, हमारे पास थी नहीं तो हमने मूंगफली डाली नहीं, जो थी वो ख़राब हो गई थी। और बाद में हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें बहुत अच्छा लगता है, और बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल सकते हैं आप। और हमने तो थोड़ा सा अभी मैंने इसमें ऐड किया है रिफाइन, उसके बाद प्याज, टमाटर और मटर। मटर को जो है मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था, उसके बाद ऐड तभी मैंने ऐड किया। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे पोहा और मसाला, पोहे का मसाला। मैं तो फर्स्ट टाइम ही पोहे का मसाला यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं हमेशा हल्दी और रेड मिर्ची पाउडर ही डालती थी, और वो इनफ होता है, अच्छा भी लगता है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है सिंपल। और फटाफट से सारे सब्जियों को हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके जो है हम इसमें पोहा ऐड कर देंगे। पोहा ऐड करने के बाद देखें इस तरह से इसका कुछ कलर आ गया, इसका मसाला थोड़ा अजीब सा है, बहुत ही ज़्यादा येलो येलो सा हो गया, बट लेकिन देखते हैं टेस्ट करके। बहन की पूजा भी हो चुकी है फाइनली, और अब हमको मिलेगा टीका, तो हम लगाएंगे सबसे पहले टीका। तो देखो मेरा भी टीका लग गया और बहन ने अपना भी लगा दिया, और एंड में ऐड करेंगे हम लोग इसमें बारीक कटा हुआ जो है, जो मैंने धनिया काट के अलग रखा हुआ था उसका ऊपर से करेंगे हम इस तरह से गार्निश, और ये बहुत अच्छा लगेगा। और बस अब आप खा सकते हैं, देखते हैं फर्स्ट टाइम हम मसाला वाला वो खा रहे हैं। अभी हो रहा हमारा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में जैसे कि आपको पता है हमने पोहा बनाया है, और ये देखिए अभी हम बनाने वाले पकौड़ी, देखते हैं पकौड़ी बनाइए नहीं तो इसकी सब्जी बन जाएगी, और हो सके अगर हम चाउमीन बनाएं ऐसे भी हो सकता है। तो अभी बन रही इनकी चाय, क्योंकि ये जो है पहाड़ी चाय लवर है, ये पहाड़ी चाय लवर है और हम दूर लवर है, हम चाय क्या बोला तूने, नहीं पीते हैं, बहन भी नहीं पीती है, कॉफी लवर है। हाँ ये कॉफी नहीं, थोड़ा कॉफी पी लेती। हाँ तो सब लोग कर रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट, और मैं भी करती हूँ, हरा हुआ पीसा हुआ पानी देना लूँ। अच्छा ठीक है, हाँ रोटी किससे से खाऊँ? अब मैं मैया को जो है प्लॉट में लेके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ से कॉल आती है कि ग्रिल का कुछ काम है अर्जेंटली, तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। और साथ में जो है हमें इनवाइट भी किया है खाने पे गैला मासे ने, तो जाएंगे फिर खाना खाने, क्योंकि पोहे में तो कोई खास मज़ा नहीं आया सच बताऊँ तो। ऊपर आए ना आसिफ साहब, नमस्ते भैया, और बढ़िया मोटे वाले।
हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन में फिर दोबारा खाने के लिए। और ये देखिए आंटी ने कितना प्यारा ड्राइंग रूम सजा रखा है यार, मतलब इतनी अच्छी डेकोरेशन, सारी चीजें मैचिंग मैचिंग, मजा आ गया देख के सच्ची बताऊं तो। खाओ खाओ खाओ, कोई बात नहीं। नहीं नहीं आंटी जी, बस हो गया, मेरा हो गया। गला तू भी ले ले। ओए देखो अब मैं क्या करता। वो जो था तो मीम्स के जैसे थे बाबू। उसके बाद कुछ चलती है कॉमेडी के सीन, जो कि हमारा पेट दर्द हो जाता है हंस हंस के, क्योंकि बहन इतने अच्छे अच्छे डायलॉग मारती है। और आज हमारा पहला दिन बहुत अच्छा गया, आई होप आप सब लोगों का भी बहुत अच्छा गया। आप लोग भी ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मस्त रहें और स्वस्थ रहें, यही कामना करेंगे भगवान। दीदी वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। दीदी हम ना इतने ज़्यादा हंसे कि हमें ना भूख लग गई दोबारा से, तो हमने फिर चाउमीन का जो मटेरियल रखा हुआ था तो हमने फिर चाउमीन बना दी और वो भी खा ली। ये देखिए कैसे सब लोग सबड़ सबड़ के खा रहे, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी बनी हुई थी दोस्तों। भाई मेरी बहन अकल ठिकाना। आया कल सर पे जैसे मैं कहा ना गुड़िया को, बोली खाने में यमी यमी है ना, बुआ यमी यमी बोली यमी यमी। हमारा पेट तो नहीं भरेगा, हम तो खाते ही रहेंगे। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं कल फिर नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर और खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे और सबको खुश रखिए। बाय।